हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना राव नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के बारे में। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का मतलब होता है कि जब किसी भी बच्चे का जन्म होता रहता है, मतलब किसी भी महिला की डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी से पहले या फिर डिलीवरी के दौरान जो बच्चा होता है वो जो गंदा पानी होता है उसको एस्पिरेट कर लेता है, मतलब पी लेता है। तो इसी को हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। मेकोनियम शब्द इसलिए लगा है क्योंकि जो बेबी का फर्स्ट स्टूल होता है, मतलब पहली बार जो वो स्टूल पास करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेकोनियम बोलते हैं। तो जो वो स्टूल पास करता है वो एमनियोटिक फ्लूड में मिक्स हो जाता है, और एमनियोटिक फ्लूड में मिक्स जब हो जाता है तो जो बच्चा सांस लेता है तो सांस के द्वारा वो भी बच्चे के अंदर चला जाता है। तो इसीलिए हम नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में कहते हैं कि बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है। तो इसका मतलब होता है कि बच्चे ने मेकोनियम एस्पिरेट कर लिया है। तो ये किस वजह से होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसमें हमको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, मेकोनियम क्या है, बेबी का फर्स्ट स्टूल है, पहली बार जो बच्चा स्टूल पास करता है उसको हम मेकोनियम कहते हैं। अधिकतर क्या होता है कि डिलीवरी के बाद ही बच्चा मेकोनियम पास करता है, लेकिन ये जिस बीमारी के बारे में हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या होता है कि बच्चा यूट्रस के अंदर ही या फिर डिलीवरी के समय मेकोनियम पास कर देता है। तो जैसे हमको पता है कि जो बच्चा होता है वो कहाँ रहता है, जो पानी की थैली होती है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें रहता है। तो जब बच्चा मेकोनियम पास करेगा तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है मेकोनियम उसमें मिक्स हो जाएगा, और जब एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम मिक्स हो जाएगा तो बच्चा जैसे ही सांस लेगा, तो जब बच्चा सांस लेता है तो वाटर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो भी बच्चे के लंग्स में जाता है। तो अब क्या होगा कि एयर के साथ साथ जो मेकोनियम के पार्टिकल्स हैं वो भी बच्चे के लंग्स में चले जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो बच्चे का एयर वे है वो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसमें एक रुकावट हो जाएगी और बच्चा प्रॉपर एयर नहीं ले पाएगा, प्रॉपर उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी, इसकी वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या होती है अगर बच्चे ने मेकोनियम एस्पिरेट कर लिया है, बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है, तो इसकी वजह से बच्चे की जान भी जा सकती है। तो अब हम देख लेते हैं इसके क्या कारण होते हैं कि बच्चा गर्भ में ही मेकोनियम पास कर देता है। तो अगर हम देखें इसके कारण, मतलब इसके हम कॉजेज देख लेते हैं, तो इसमें पहला कारण है कॉम्प्लिकेटेड लेबर, मतलब कि जो फीमेल है जिसकी डिलीवरी हो रही है, अगर वो डिलीवरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो इसकी वजह से भी जो बच्चा होता है वो गर्भाशय के अंदर ही मेकोनियम पास कर देता है। जैसे जब लेबर का प्रोसेस होता है तो उस दौरान जो माँ होती है वो अपना एफर्ट लगाती है, लेकिन इसके साथ साथ जो बच्चा होता है वो भी अपना एफर्ट लगाता है, वो भी पुशअप करता है बाहर आने के लिए। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड लेबर है तो इसकी वजह से क्या होगा, बच्चे को भी अधिक पुशअप लगाना पड़ेगा और इधर माँ को भी अधिक एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से भी कभी कभी जो बच्चा होता है वो मेकोनियम पास कर देता है, और फिर ये उसके लिए खतरनाक साबित हो जाता है। सेकेंड है द प्रेगनेंसी गोज टू पास्ट ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब कि जो प्रेगनेंसी होती है, जो गर्भावस्था होती है, अगर वो डिलीवरी की जो ड्यू डेट होती है उससे आगे चली जाती है, मतलब कि अगर किसी फीमेल की मान लीजिए डिलीवरी की जो डेट है वो 20 फरवरी है, लेकिन अगर 21, 22 या फिर यूं कहें कि अगर 25 फरवरी तक, 26 फरवरी तक भी उसकी जो डिलीवरी है वो नहीं होती है, तो इसको हम बोलेंगे कि जो भी उसकी डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट थी, डिलीवरी उससे क्या हुई, आगे निकल गई। तो उस दौरान भी जो बच्चा होता है मे बी वो यूट्रस में ही मेकोनियम पास कर सकता है, स्टूल पास कर सकता है, जिसकी वजह से उसमें मेकोनियम एस्पिरेशन जैसी समस्या हो सकती है। क्योंकि अगर वो यूट्रस में स्टूल पास कर देगा तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर वो उसको एस्पिरेट कर लेगा और आगे उसको कॉम्प्लिकेशन होंगे। थर्ड पॉइंट है इसमें प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब होता है कि जो डिलीवरी का टाइम ड्यूरेशन होता है वो सामान्य की अपेक्षा अधिक लगता है, इसी को हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर। अगर हम प्राइमरी पैरा की बात करें, प्राइमरी पैरा का मतलब कि अगर कोई फीमेल पहली बार मां बन रही है, पहली बार उसकी डिलीवरी हो रही है, तो ऐसी फीमेल्स को 12 से 14 घंटे का समय लगता है
डिलीवरी में, और अगर कोई मल्टी पैरा है, मल्टी पैरा का मतलब कि अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसकी दूसरी या तीसरी बार डिलीवरी हो रही है, तो ऐसे फीमेल को 6 से 8 घंटे का समय लगता है। तो अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं, प्राइमरी फीमेल की बात करते हैं कि अगर किसी फीमेल की पहली बार डिलीवरी हो रही है तो उसको 12 से 14 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर उसी फीमेल को 18 घंटे मोर देन 18 आवर लगते हैं डिलीवरी प्रोसेस में, मतलब 18 घंटे से अधिक का समय लगता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोलॉन्ग लेबर बोलते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है, फीमेल लगातार दर्द में रह रही है, तो इसकी वजह से भी जो बच्चा होता है वो गर्भाशय के अंदर ही स्टूलपास कर देता है, क्योंकि जो बच्चे का टाइम ड्यूरेशन होता है वो तो पूरा हो गया होता है। अब किसी वजह से जो डिलीवरी है वो नहीं हो पा रही है, तो माँ को कॉन्ट्रेक्शन अच्छे से नहीं आ रहे हैं, मतलब उसको दर्द अच्छे से नहीं हो रहे हैं, या फिर जो सर्विक्स है वो किसी वजह से ओपन नहीं हो रही है, मतलब बहुत सारे से कारण हो सकते हैं प्रोलॉन्ग लेबर के। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसकी वजह से भी जो बच्चा है वो मेकोनियम कर देता है और फिर उसको एस्पिरेट कर लेता है और उसको बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है हाई ब्लड प्रेशर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट महिला है, अगर उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो इसकी वजह से भी जो बच्चा होता है वो मेकोनियम पास कर देता है, स्टूल पास कर देता है यूट्रस में ही। इसीलिए जब लेबर प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब फीमेल को दर्द स्टार्ट होते हैं, या फिर टाइम टाइम पे हम फीमेल का क्या करते हैं कि वाइटल चेकअप करते रहते हैं, मतलब उसका जो बीपी होता है, पल्स होता है, हार्ट रेट होती है, सब मेजर करते रहते हैं, जिससे हमको पता चलता रहे कि जो माँ होती है या फिर बच्चा होता है उसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो अगर जो माँ होती है उसका बीपी हाई हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो इसकी वजह से भी जो बच्चा होता है उसमें मेकोनियम एस्पिरेशन के लक्षण दिखते हैं। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट है डायबिटिक फीमेल, मतलब कि जो फीमेल है अगर वो डायबिटीज से ग्रसित है, उसको मधुमेह जैसी बीमारी है, तो इसमें भी जो बच्चा होता है मे भी वो मेकोनियम कर सकता है यूट्रस के अंदर ही। सिक्स पॉइंट है डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि जो बच्चा होता है अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए, उसको सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिले, तो इसकी वजह से भी जो बच्चा होता है वो गर्भाशय के अंदर ही स्टूल पास कर देता है, मतलब मेकोनियम कर देता है, जिसकी वजह से उसको एस्पिरेट कर लेता है और फिर उसको आगे दिक्कतें होती हैं। तो जो प्लासेंटा होती है या फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल आर्टरी होती है, अगर उनके थ्रू जो बच्चा होता है उसको सफिशियंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि जब ब्लड सप्लाई होगी तभी तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि जो ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वही ओटो को कैरी करता है। तो जब प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। तो अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से भी जो बच्चा होता है वो मेकोनियम कर देता है और फिर बच्चे में मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये 6 ऐसे कॉज हैं जिसकी वजह से जो बच्चा होता है उसमें मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। यही 6 कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन के लिए। तो इनमें से जरूरी नहीं है कि सभी देखे जाए, किसी में होता है कि प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से हो गया, किसी में होता है कि जो डिलीवरी की डेट है वो आगे बढ़ने की वजह से हो गया, या फिर किसी में होता है कि जो फीमेल है वो डायबिटिक हो गई, या फिर किसी में ऐसा होता है कि जो फीमेल है उसको उसका जो बीपी है बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसकी वजह से हो गया। तो मतलब ये सारे कारण दिए गए हैं कि इन वजह से ही ये सब होता है। अब अगर हम बात करें कि जो मेकोनियम एस्पिरेशन से होने वाली मृत्यु है वो कितने परसेंट है, तो 5% जो बच्चों की मृत्यु होती है वो मेकोनियम एस्पिरेशन की वजह से ही होती है, मतलब गंदा पानी पीने की वजह से ही होती है। जैसे अगर कोई फीमेल है उसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है या फिर वो डायबिटिक है, तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चा होगा वो स्टूल कहाँ पास करेगा, यूट्रस में पास करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी फीमेल का डिलीवरी हो रही है, लेबर प्रोसेस स्टार्ट है, और उस दौरान जो उसका लेबर है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया या फिर प्रोलॉन्ग हो गया, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो बच्चा होगा वो जो लेबर प्रोसेस चलता रहेगा फर्स्ट स्टेज से लेकर सेकेंड स्टेज के बीच में मेकोनियम पास करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसको मेकोनियम एस्पिरेशन हो जाएगा, क्योंकि वो जब भी मेकोनियम पास करेगा सांस लेगा ही, और मेकोनियम में वो कहाँ पास करता है, एमनियोटिक फ्लूइड में ही पास करता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ होता है, बच्चे के चारों तरफ होता है। तो जैसे ही बच्चा
क्या करेगा कि स्टूल पास करेगा तो वो चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड के साथ फैल जाएगा और फिर बच्चा जैसे ही सांस लेगा वो सांस के साथ अंदर लंग्स में चला जाएगा और फिर जाके वहां जो एयर वे होता है बच्चे का उसको बाधित कर देगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, वहां पे रुकावट पैदा करेगा जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा और फिर ये बच्चे की मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो अगर ऐसी किसी भी तरह की समस्या होती है तो उसमें हमको कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अगर हम इसके सिम्टम की बात करें मतलब इसके लक्षण की बात करें कि कौन कौन से हमको ऐसे लक्षण दिखेंगे जिससे हमको पता चल जाए कि जो बच्चा है उसने मेकोनियम एस्पिरेट कर लिया मतलब गंदा पानी पी लिया है, तो फर्स्ट है इसमें ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन, मतलब कि जो बच्चे की स्किन होगी वो हमको कैसी दिखेगी, ब्लू कलर की दिखेगी। ये किस बात का साइन है, ये साइन इस बात का है कि जो बच्चा है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं साइनोसिस, मतलब कि बच्चे के जो बॉडी में टिश्यू होते हैं वहां पे ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है जो सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और फिर वही हमको ब्लू कलर में पूरे बॉडी में दिखाई देती है, उसका जो सर्फेस एरिया होता है जो स्किन होती है वो कैसे दिखाई देती है, ब्लू कलर की दिखाई देती है, तो इसी को हम बोलते हैं साइनोसिस। सेकेंड पॉइंट है इसमें वर्किंग हार्ड ब्रीथ, मतलब कि जो बच्चा होगा उसको सांस लेने के लिए अधिक ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अधिक उसको जोर लगाना पड़ेगा। अगर बच्चे ने मेकोनियम पास किया है तो जैसे अगर नॉर्मल जो बच्चा है हम देखेंगे कि वो आसानी से ब्रीथ कर ले रहा है, लेकिन अगर बच्चे ने मेकोनियम किया है तो उसको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा सांस लेने के लिए, क्योंकि जो उसका एयर वे होगा वो क्या है उसमें मेकोनियम भरा हुआ है और मेकोनियम भरा होने की वजह से प्रॉपर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और फिर वो ज्यादा जोर लगा के सांस लेने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से जो उसकी सांस होगी उसमें हमको एक शोर सुनाई देगा जिसको हम कह सकते हैं नॉइजी ब्रीथिंग। नॉइजी ब्रीथिंग मतलब कि जो बच्चा सांस लेगा उसमें हमको एक शोर जैसा सुनाई देगा, इसके साथ ही उसमें से निकलेगा ग्रंटिंग साउंड। ग्रंटिंग साउंड, ग्रंटिंग साउंड का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो पिग्स होती हैं, सुअर होती हैं, उनके मुंह से एक साउंड निकलता है उसी को हम बोलते हैं ग्रंटिंग साउंड। तो जब बच्चा मेकोनियम पास कर लेता है अगर तो उसमें ये लक्षण हमको देखने को मिलते हैं कि जब वो सांस लेगा तो उसके जो सांस लेने की गति होगी उसमें हमको एक शोर जैसा सुनाई देगा और वो बहुत ज्यादा जोर लगा के सांस लेगा, साथ ही उसमें से ग्रंटिंग साउंड भी निकलेगा एंड वो एक्स्ट्रा मसल्स का यूज करेगा, यूजिंग एक्स्ट्रा मसल्स टू ब्रीथ, मतलब कि वो सांस लेने के लिए अधिक एफर्ट लगाएगा, अधिक जोर लगाएगा। तो हम देख सकते हैं नॉर्मली कि अगर बच्चे ने मेकोनियम एस्पिरेट किया तो उस दौरान अगर वो सांस लेता है तो जो उसका चेस्ट होगा वो बहुत ज्यादा अप डाउन करेगा, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि बच्चे ने मेकोनियम एस्पिरेट किया है क्योंकि जो उसकी साउंड आ रही है, ब्रीथ साउंड आ रही है, वो कैसी है, नॉइजी है और ग्रंटिंग साउंड उसमें से निकल रही है, साथ ही बच्चा बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है सांस लेने के लिए। एंड थर्ड इसमें सिम्टम है प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम इन एमनियोटिक फ्लूड, मतलब कि जब लेबर प्रोसेस चलता रहेगा या फिर जब बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी तो उस दौरान जो एमनियोटिक फ्लूड निकलता है अगर उसमें मेकोनियम प्रेजेंट है इसका मतलब है कि बच्चे ने गर्भ के अंदर ही मेकोनियम पास कर दिया है। तो अगर हम एमनियोटिक फ्लूड को देखेंगे तो उससे भी हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया है और उसने मेकोनियम एस्पिरेट भी कर रखा है, क्योंकि अगर बच्चे ने मेकोनियम पास किया है तो उसने 100% एस्पिरेट भी किया होगा। एंड फोर्थ इसमें सिम्टम दिखता है लिम्पनेस एट बर्थ। तो ये चार ऐसे लक्षण हैं जिनके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि जो बच्चा है उसने मेकोनियम एस्पिरेट किया है या फिर नहीं किया है। तो सबसे पहले अगर किसी बच्चे की डिलीवरी होती है तो सबसे पहले जो एमनियोटिक फ्लूड होता है हम उसको देखते हैं कि उसमें मेकोनियम प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उसके बाद ही आय का जो प्रोसेस होता है वो हम देखते हैं। तो पहले हमने स्पष्ट कर लिया कि बच्चे ने जो एमनियोटिक फ्लूड है उसमें मेकोनियम नहीं है, इसका मतलब बच्चे ने मेकोनियम पास नहीं किया है तो सारी समस्या ही खत्म। लेकिन अगर जो एमनियोटिक फ्लूड है उसमें मेकोनियम प्रेजेंट है इसका मतलब कि बच्चे ने मेकोनियम स्प्रेड किया है। हमने कॉजेज देख लिए, सिम्टम देख लिए, अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट
तो हमने जो सिम्टम देखे थे उसमें एक सिम्टम और होता है, वो होता है कि अगर मान लीजिए कि जो बच्चा है अगर यूट्रस में ही उसने मेकोनियम एस्पिरेट कर लिया, तो उस दौरान अगर हम बच्चे का फीटल हार्ट रेट देखें तो ये हमको बहुत ही कम मिलेगा, या फिर अगर हम फीटल हार्ट साउंड सुनने की कोशिश करें तो हमको बहुत कम सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि बच्चे ने मेकोनियम एस्पिरेट किया हुआ है और इसकी वजह से जो उसका एयरवे है वो क्या है, वो ऑब्स्ट्रक्शन उसमें हो गया है, तो प्रॉपर वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है और इसकी वजह से जो उसकी ब्रीथिंग है वो क्या है, कम हो जाएगी। तो जो फीटल हार्ट रेट है वो हमको सुनाई नहीं देगा या फिर बहुत कम सुनाई देगा, और जो बच्चे का हार्ट साउंड है वो भी हमको अच्छे से सुनाई नहीं देगा। तो ये भी एक लक्षण है, एक सिम्टम है जो शायद मैं इंक्लूड करना भूल गई थी, तो आप इसको लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो जैसे अब बच्चे की डिलीवरी हुई, अगर बच्चा एक्टिव है उसने तुरंत क्राई करना स्टार्ट कर दिया, तो उस दौरान हमको बच्चे को किसी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं होती है, बस हम सुपरफिशियली जो बच्चा होता है उसको गर्म रखने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर टेम्परेचर में रखेंगे और उसको जो उसका एयरवे है उसको सक्शन के थ्रू क्लीन कर देंगे, और जो भी बेबी केयर होते हैं, न्यूबॉर्न केयर होते हैं, वो सारे उसको केयर हम देंगे। लेकिन अगर बच्चे ने मेकोनियम एस्पिरेट किया हुआ है और वो क्राई भी नहीं कर रहा है, उसमें किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं दिख रही है, तो फिर उस दौरान हम उसको एक्स्ट्रा केयर देते हैं। लेकिन अगर बच्चे ने मेकोनियम पास किया है उसके बावजूद वो उसमें एक्टिवनेस है, वो क्राई कर रहा है, तो फिर हमको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अगर बच्चे ने मेकोनियम किया हुआ है और वो क्राई भी नहीं कर रहा है, वो एक्टिव भी नहीं है, तो सबसे पहले हम उसको वार्म प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसकी जो बॉडी है उसको प्रॉपर टेम्परेचर में रखने की कोशिश करेंगे, उसको एक गर्माहट वाला एनवायरमेंट देंगे, उसको अच्छे से हम कवर करके बच्चे को रखेंगे। साथ ही इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे कि जो बच्चे का एयरवे है उसको सक्शन के थ्रू क्लीन करेंगे। इसके बाद तुरंत हम उसको वेंटिलेटर प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से जो उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको पूरा किया जा सके। फिर अगर इसके बाद हमको जरूरत पड़ती है तो हम बच्चे को रेडिएंट वार्मर में रखते हैं। किसमें रखते हैं? रेडिएंट वार्मर में रखते हैं। और फिर इसके बाद हम बच्चे को क्या देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं, क्योंकि जो बच्चा है उसने क्या किया है, मेकोनियम एस्पिरेट कर रखा है, तो मेकोनियम एस्पिरेट करने की वजह से जो लंग होता है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उससे बच्चे को बचाने के लिए, उस इन्फेक्शन से बच्चे को बचाने के लिए हम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं। और फिर जो भी एक्स्ट्रा केयर होती है इसको करने के बाद तुरंत हम उसको कहाँ रेफर करते हैं? जो पीडियाट्रिशियन होते हैं उनके पास, मतलब कि जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं उनके पास, क्योंकि जितनी हेल्थ वर्कर्स होते हैं सभी को बच्चे के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, फिर जो बच्चे होते हैं, उनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जिनको हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं, उन्हीं को इसके बारे में पता रहता है। तो अगर किसी बच्चे ने मेकोनियम एस्पिरेट किया है तो फिर हम तुरंत जो पीडियाट्रिशियन है उनको इन्फॉर्म करते हैं, ताकि वो आके देख सकें और बच्चे की जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो बच्चे की जैसे सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।